खगड़िया जिले के SC/ST थाना के 31 मई को सदर विधायक विजय खेमका व उनके अंगरक्षक के विरुद्ध कांड संख्या 38/21 दर्ज किया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण आवेदक अनिल राम अब DM राहुल कुमार को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदक अनिल राम पिता महंत राम निवासी चमर टोली गुलाबबाग ने आवेदन के माध्यम से कहा कि 30 मई को सदर विधायक ने मुझे समाज के लोगों के सामने जाति सूचक गाली दी। यही नहीं, विधायक के अंगरक्षक भी मेरी तरफ दौड़ कर आया और जाति सूचक गाली देते हुए मुझे थप्पड़ जड़ दिया। जब समाज के लोगों ने इसका विरोध किया तो विधायक ने कहा, मरने दो इन लोगों को, अब इन्हें सुविधा नहीं मिलेगी। यह कहकर विधायक वहां से चले गए। अनिल राम ने कहा कि इस घटना के बाद उसने एक आवेदन संबंधित थाने में दिया और कार्यवाही की मांग की, लेकिन 2 माह से अधिक वक्त बीतने के बाद भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अनिल राम ने कहा कि पुलिस कार्यवाही करने के बजाय मुझे ही डांट कर भगा दे रही है। उन्होंने DM से न्याय की गुहार लगाई। मामला की जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अनिल राम के द्वारा विधायक जी को अपने मोहल्ला देखने के लिए कहा गया, इसी पर विधायक जी क्रुद्ध होकर इन्हें धक्का धक्की दिए, इन्हें मारे और इनको गालियां दी, जो कि इन्होंने FIR में लिखाया है। लेकिन जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सत्तासीन पार्टी की गोद में बैठकर पुलिस काम करती है, उसी का कुछ नज़ारा पूर्णिया में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिसमें इन्होंने बाकायदा नाम से FIR करवाया, वह नाम यदि गायब हो जाता है FIR से तो यह अत्यंत चिंता का विषय है। अब बीते दिनों पूर्णिया के दर्द को, पूर्णिया में आए दिन जो गोलियां चल रही है, लोगों के पैसे लूटे जा रहे हैं, महिलाओं को पटक कर उसके गले पर लात देकर चैन छीन लिया जा रहा है, इन सारे बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो संवेदना दिखाते हुए यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक से स्पष्टीकरण की मांग की थी, तो उसका मजाक उड़ाते हुए यहाँ के सांसद ने विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों को और पूर्णिया वासियों के दर्द को विधवा विलाप का संज्ञान दिया। ऐसे में ये गरीब लोग अपने दर्द को लेकर कहाँ जाएंगे, ये गरीब लोग अपने दर्द को कहाँ लेके जाएंगे। आज जिस तरह से एक अनुसूचित जाति के लड़के को मार लग गई और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में बाय नेम FIR किए जाने के बावजूद भी नाम हटा दिया जाता है, ऐसे में जो बाहुबली हैं, जो राजनीतिक हैं, वे इन गरीबों का जीना दुभर नहीं कर देंगे, इसकी क्या गारंटी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्णिया के माननीय सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो पूर्णिया वासियों के दर्द को विधवा विलाप का नाम दिया है, ऐसे में क्या वे पूर्णिया वासियों को ये भरोसा दिलाएंगे कि पूर्णिया में सचमुच कानून का राज्य है, पूर्णिया के लोग सुरक्षित हैं, पूर्णिया की महिलाएं चौक चौराहे और मार्केट में जाएंगी और उनको पटक कर उनका चैन, उनके कान के बाली और उनका पर्स नहीं छीना जाएगा। आज जिस तरह से घर में हर घर होम डिलीवरी हो रही है शराब की, हर चौक चौराहे पर धड़ल्ले से स्मैक का व्यापार हो रहा है, ये सब जानने समझने के बावजूद भी यदि पूर्णिया सांसद ये कह रहे हैं कि कानून का राज है और विपक्ष विधवा विलाप कर रही है, तो ये पूर्णिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं आपके माध्यम से पूर्णिया सांसद जी से इसका स्पष्टीकरण मांगता हूं। मेरा नाम SM झा है, मैं पूर्णिया जिला कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता और उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग अभी DM साहब के यहाँ आए हुए थे आवेदन देने के लिए। आवेदन ये देने आते, ST/ST में विधायक जी के ऊपर आरोप लगा था, FIR दर्ज हो चुका था, लेकिन हमारे केस में जो है, केस नंबर पर जो सरकारी कागज में, उसमें विधायक जी का नाम नहीं है। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना हमको अभी तक इंसाफ मिला है। जिसके कारण DM साहब से मिले तो बोले कल आइएंगे मिलने के लिए। कैसे पता चला केस में नाम नहीं है? हम लोग ये नकल निकलवाए हैं, पूरा सारा देख सकते हैं, इसमें कहीं विधायक जी का नाम चर्चा नहीं है, ना इसमें नाम अभी तक कोई चर्चा ही है। और मेरा FIR कागज में स्पष्ट नाम है विधायक जी का। हाँ, कब FIR कब हुआ था ये? 31 तारीख को हमने आवेदन दिया था, 31 तारीख को FIR दर्ज हुए और 5वां महीना में हुआ था सर। FIR दर्ज होने के बाद अभी नाम गायब हो गया? नाम गायब हो गया है। अभी जो आए आप लोग को क्या DM साहब मिलने दिए? नहीं, DM साहब बोले कल आइए, उसका स्टाफ लोग। हाँ, स्टाफ लोग। मेरा नाम अनिल कुमार राम, कहाँ से? गुलाबबाग पुराना सिनेमा हॉल से।
मामला क्या था जो एफआईआर किया? मामला यही था कि हरेक बरस जब जब कोई पार्टी आती है सत्ता में तो आश्वासन देता है यही गरीब आदमी लोग को, इस बार हमको जिताइए, इस बार आपका विकास कर देंगे, आप लोग भूमिहीन है, आप लोग को जमीन दिया जाएगा, हर एक सुविधा दिया जाएगा, लेकिन सुविधा के मामला में हम लोग को मार लग जाता है, बोलने पर उनको आरोप लग जाता है, मार खाता है लोग, इसी तरह लोग मर रहा, कट रहा, वहाँ इतना लाली है। हुआ था कि हमारे चौक पे आए थे यहाँ पर विधायक जी मन की बात, प्रधानमंत्री का मन की बात साझा करने के लिए, तो सब खत्म हो गया कार्यक्रम, तो हमने विधायक जी के ध्यान भटकाने का काम किए कि सर आप हर एक साल आते हैं यहाँ पर झंडा तोलन भी करने हर एक साल आते हैं, और इसी तरह मेरे साथ तो मारपीट हुआ था, विधायक जी को बोले ना जब एफआईआर किया, हाँ उसी पे एफआईआर किया, हम चाह रहे इंसाफ मिले हमको न्यायालय से।